इस तरह सभी पात्रों का हम इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। ये है ब्रिज के पापा जो खेतीबाड़ी करते हैं, बहुत मेहनती हैं। और वो लड़का जो आ रहा है वो है ब्रिज। बाबूजी, ये उम्र तुम्हारे काम करने की नहीं है, ये काम तुम्हें करना है। दीवानी, मैं करता सिंह ने तुम्हें देख रखा है, मैं तुम्हारा देश बदल देता हूँ। अच्छू दीवानी, तुम्हारा तो ढेर ही खतरनाक रूप हो गया है। ये रूप तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलो इनको ढूंढते हैं। दे रहा बाबूजी और उसका पोता, पहले पोते का खून कर कर खून कर कर उसका उसका खून निचोड़ लेते हैं और फिर काम करता रहो। मैं पड्डे दरो करा, ठीक है, जाओ पड्डे दरो। बैठते बैठते तो बहुत बढ़िया हुआ, करतार सिंह अग्गा चला गया, पहले उसका पोते का खून निकाल लेते हैं। चलो तो मतलब कभी फिर से आ जाए। यार शिष्य तो लाना भूल ही गए, मुंह में ले चलते हैं। चलो मैं इसका पेट काट देता हूं। करतार सिंह का भी खून कार का चल रहे। चलो करतार सिंह कौन? करतार सिंह को वो बाबूजी को करतार सिंह कहते हैं। चलो जाति सवाल मत पूछो। कुत्ते क्या हो गया? कुत्ते क्या हो गया है? कुत्ते क्या हो गया है? किसने मार दिया मेरे लाल? तू भी मरे। यार इन नसों का क्या कर रहा है यार? तू बोल देगा किस तरह लाभ, तेरे मुंह में खून है, इसे यहीं गिर देते हैं, कीड़े मकोड़े खा लेंगे। चम यहीं छोड़ देते हैं, चमगादड़ खा लेंगे। अरे क्या इधर सर रही लगता है मुझे ब्रिज बनना ही पड़ा। एक साथी एक लाश तो सिंह खाई ली है, सिर्फ एक ही बची है। चलो इससे उठा के ले जाती है, आप टांग पकड़िए। चलो ये लो सरकार, ये रही बाबू जी की सरदार। इतनी जल्दी खा लिया? बस तुम्हें इतनी जल्दी लग रही है? छह लाख लाओ, इससे भी कम टाइम लगेगा। इससे भी कम टाइम? हाँ। बस है झूठ। और सरदार आपने कितनी जल्दी खा ली है, भैंस है या कुत्ता? कमीने तेरी है मजाल। मजा तुझे पहले था यह सरदार, बहुत बहुत बढ़िया है। इसके साथ तुम्हें चले जाना चाहिए, अब तुम्हारी शक्ति छीनी जा सकती है। मेरी शक्ति वापस बुलवा दे। ठीक है, मैं कुछ करूंगा। चलो
सरदार इसकी शक्ति वापस कर दो, यही कह रहा है। गलती आगे से नहीं होगी, बेचारा देखो किस तरह कर रहा है, किस तरह तड़प रहा है। इसकी शक्ति वापस तो जरूर आएगी, शक्ति वापस देता हूँ। कहाँ है लाश को? और कुछ ख्वाहिश हो तो बता बता, है कोई ख्वाहिश जल्दी बता। हाँ सरदार, एक ख्वाहिश है, वही लड़की वाली। ये लो ये जानवर, किसी भी जानवर को रख देना, इसका लड़की बन जाएगा। सरदार इसकी कहाँ बन गई लड़की? लड़की तुम क्यों मारते, मजाक कर रहे? तुम चले जाओ मनुष्य अंत, तुमको मेरे शक्तियों पर विश्वास नहीं है, सच करते हो उस पे। यार इंस्पेक्टर को थाने में ढूंढ लिया, मिला तो है नहीं, चला ढाई के पास चल रहे, वो ये बताएगा कुछ तरकीब। चलो उल्टे यार गड्ढा गुड्ढा में को सारे को देख लिया, मिला तो है नहीं। यार इंस्पेक्टर को ढूंढने में वैसा आ तो रहा मजा। यार उस तरह ऐसी चीज लागे जो हम मिल जाए। चलो चलते हैं, चलो यार आ तो रहा मजा सुनने वाले, पता नहीं कहाँ रहे थे लड़का ही नहीं। सरदार सरदार का ठिकाना यार डाल। मुझे गुस्सा यार, इंस्पेक्टर को ढूंढते ढूंढते निरी देर होगी, कहीं से मिली नहीं रहा, गड्ढों गुड्ढों में को सारा मैं को ढूंढ लिया। कुछ ऐसी चीज दे दे जो सब ढूंढ सके। ढाल ने ये हाथ में क्या पहन रखा है? ये राधा की निशानी है। राधा कौन? इसका तो हमने पहली बार नाम सुना है। राजकुमार राधा से बहुत प्यार करा करा था। राजकुमार कौन? राजकुमार खामोश, ये नाबालक है, इसे क्या पता। ये नाबालिक है, ऐसे क्या पता, इसकी समझ में बात नहीं आने की। भाई बता देना राधा कौन है। तुझे भी मार देगा ढालर, मुझे भी मार देगा, चुप रह, सही है, बहुत गुस्सा। चुप, बकवास बंद करो। और ये लो, जब भी तुम इंस्पेक्टर के पास जाओगे टू करेगी। चलो ये क्या दिया है जी? यह है खसमा फूंकने का यंत्र। जब भी इंस्पेक्टर था धरा होगा ना, ये टू बोल लेगा और तुम उसे पकड़ लियो। ठीक है ला पहन लो, ढूंढते ढूंढते चलिए। आपका तो भाई वो बहुत बहुत सोनी चीज थी ढूंढने की। यार सच में मिल जाएगा इंस्पेक्टर इससे? चुप रहो, सरदार को बता देना तुम्हारी खाल उतार लेगा, तुमने पहले भी बहुत गलती कर दी है। यार कहीं भी टूटू नहीं बोल रही है घड़ी, जब उसके पास पहुंचेगी तभी तो बोलेगी, तुमने सुना नहीं था? यार पता नहीं इंस्पेक्टर यहाँ मिलेगा भी या नहीं। जरूर मिलेगा जब ठीक है, तो देखते हैं हम। वो तो यार कहीं की निकल मत छूटेगा। टूं टूं यार बोली है टूं टूं। यार मुझे लगा जाना नहीं था, नहीं था लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। टूं 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 नहीं बोल रही है, पता नहीं क्यों आया। टूं 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 टूं।
यार कदियो घड़ी खराब हो। सरदार की दीवी चीज घड़ी खराब नहीं हो सकती। ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। छोटा बोला छोटा करो। मैं बंदर पेड़ में क्या कर रहा है इंस्पेक्टर के बच्चे? हड्डी 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 तोड़ी थी देखा भूलगा तेरा अब का मेरा निजाम राज सत्य करेंगे। ना हम मरे थे ना मरे हैं और ना मरेंगे। हम जरा अस्पताल में क्या गए तुमने हमें मरा हुआ सोच लिया जानी। ऊपर क्या कर रहा बंदा नीचे आना। हम अगर हम नीचे आ गए तो तुम ऊपर चले जाओगे जानी ऊपर। ओ कछुए नीचे तो आ कछुए। ए, मैं नीचे ही आ रहा हूँ पर ध्यान रहे कि तुम मर जाओगे। अच्छा तो ये बात है तू क्या समझ रहा था कि हम कुछ नहीं है पड़े पड़े के भी बहुत बजाऊंगा। जब तो डायलॉग मार रहा था तेरा दूसरा साथी देखता हूँ। ऊपर उठ जाओ साथी। तन्ना क्या लगाया भाई इसका? ये तो ये है घास मशीन जो कोई सिर पे लगा देता है वैनू भिदकता है देखा नहीं। ये तो इस तरह कर रहा था जिस तरह इसके संडे का तेल लगा दिया हो। चलो बेटे संडे का तेल तो इसका सामने कुछ भी नहीं। इसकी लाश नहीं लेकर जाएगा। इस पर ढान नहीं मना करा है कि इंस्पेक्टर की लाश मत लाना क्यों कोई से बच्चे की लाश लाना। चलो बैठा बच्चा तो वो बैठा मासी। चलो पकड़ के ले चलते हैं इसकी। हम इसकी अम्मा की टोपी बनाते हैं बच्चे टोपी लेगा टोपी दे दो भाई ले टोपी ले लो। मम्मी 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 बचा। मजा आ गया इंस्पेक्टर को मार के बच्चा भी मिल गया। जिंदा बच्चा देख कर तो सरदार बहुत खुश होंगे। हंसले कुत्ते हंसले। मुझे कहाँ ले जा रहे भाई? बाबू तो जाने इस साल टॉफी देंगे। इसका क्या पता बेचारे भी का तो आज आखिरी दिन है। ले सरदार सिर्फ भिरिस भिरिस रह गया दुनिया में। लाश लेकर वो भी जिंदा बच्चा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लाश हम किधर उठा दे चला खा लिया। सरदार कितनी जल्दी खा ले यार।
मैं तेरा यार नहीं हूँ, तेरा यार जवानी और मेरा यार जवानी, मैं ये मेरा पुराना यार है। आज के बाद तू मुझे जवान यार न कह दिया वरना मैं तुझे मार दूंगा। ठीक है सरदार, लो सरदार अपनी घड़ी घड़ी वापस न दे। ये ब्रिज को मारने के मम्मी काम होगी ला, इसमें बहुत शक्ति बढ़ा दी। जाओ अब जब ब्रिज को भी खत्म कर दो, फिर दुनिया का मालिक तम आसमान का राजा मैं। हम चलते खैर, सरदार ने कहा है कि फिर से अलार्म बोलेगा और बोलेगा तो तुम चलो तरफ को देखना, अब के ज्यादा देर मत करना यानी शक्ति कम हो जाएगी। यार क्या है, तेने हमें थका लिए, खड़ी किसी कर रहा है तू? तो क्या सोचता है सरदार का दिया हुआ सामान खराब नहीं कर सकता है? अब से ज्यादा बोलेगा तो सख्ती ही सुनूंगा। इस बार बस मारने में नहीं आएगा। क्यों भाई? यार गर्दा मैन, वो अब आसमान में क्यों नहीं आने का? उसे पता है कि हम उसको आसमान में से आते हुए देख लेते हैं, इसलिए दिल बाग मैन गड्ढे मिलेगा। कुत्ता यार तू यहाँ से क्यों गुजर रहा है? यार मैंने खोल घड़ी नासी पहन रखी, जब भी ब्रिज की दरार है ना ये खाजी लगनी शुरू हो जा। इसका मतलब तो हम ब्रिज के आसपास ही है। मान आसपास नहीं, वो कैसी मारे धोरा लुक रहा और हमें दिख नहीं रहा बस। हमारी गाड़ी पूरी बोल रही है, कहीं से दिख रहा और ना सिर पैर में चोट भी लग गई। समझ चलो सरदार जवानी। हाँ इतनी देर में मेरा मैसेज क्यों उठाया? सरदार मुझको नहीं पता था कि तुम्हारा मैसेज आ रहा है, मैंने तो सोचा कि ब्रिज की घंटी बज रही है। एक काम करो हाँ, अपने साथी का रूप बदल दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रिज सुंगाई सुन के तुमको तुम्हारे पास आकर तुमको भी तुम्हारे शक्ति को मार देगा। ठीक है मैं भी बदलता हूँ, पहले तुम्हारी कॉल काट दू। यार जुब की नहीं बोला, शैतान की जय निखा, शैतान की जय हो, शैतान की जय हो, शैतान की जय हो, शैतान की जय हो, शैतान की जय हो। दीवानी इतनी भी ताकत नहीं है क्या? हे दीवानी इतनी भी ताकत नहीं है क्या? ये मेरा कैसा रूप कर दिया यार, तू मेरी जान ही बदल जाता है। तेरा क्या तरीका है? नरे खनी का चूतिया, क्या कहा धान्य? क्या कहा? खन्नो में जो फिर वाले कहीं तुझे सुना नहीं का? क्या कहा? क्या कहा?
वो तो जैसे उंगता उंगता देगा तेरे में शक्ति का मार मरवा देगा। इसमें इतनी शक्ति है, इसको मैं देख लूंगा। इतना बड़ा बॉस बनता है। चल ढूंढन चले दे, चलो देखते हैं इसको क्या मिलता है। बच्चे टूटू बंदर लगी गाड़ी। अच्छा आ गया है तो भाग ले फिर जल्दी, तो भाग ले, लड़ाई नहीं करनी उसके साथ। छोड़े पंकज कम से यार, वो जा रही गाड़ी की सुई। बस 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 पर वो यार वो है कहाँ? यार पता नहीं कहाँ है वो, यार पता नहीं कहाँ मिलेगा। थोड़ी देर पहले अपनी माँ का नाम लिख के गया है। साले चूहे कहाँ लुक रहा है तू, जल्दी हमारे सामने आ तू। यार पर दो सारी जगह वहां से ऐसी दिखेगा। पहली दिख रहा यार, देखो सारी जगह देखो दिख रहा है का नहीं। तुम ढूंढ रहे हो? मैं आऊं। देखो रहा है, ये हो रहा है। तुम क्या कर रहा है? ऊपर नीचे हो? नीचे आता है बस, नीचे आ डर के नहीं। जल्दी निकल। बता इंस्पेक्टर को भी जिंदा मारेगा? हाँ इंस्पेक्टर को मैंने मारा हो, और तुम्हारे बाप को भी, और तुम्हारे भाई के लंडे को भी। अरे एक वर्कर कहाँ गया है? कुत्ता सामने आ। जिधम तम कुत्ता बना बता रहे ना, मैं दिलबाग मैन हूँ, दिलबाग मैन। ये तो दिलबाग मैन है। तुझे भान मुद्दा खा जाएगा। मैं वो दिलबाग मैन नहीं हूँ, मैं शक्तिशाली आदमी हूँ। शक्तिशाली मुझे बता तो नूनी महीने का 5-10 सेकंड लो तेरा गांडवा बीच के। भगवान की जय हो, 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 भगवान की जय हो। जब तक तेरा पूरा दम निकल जाएगा, जब तक तेरा
मम्मी। हत्ती गोला है दिलबाग, अब तो तू मरगा। चला अपने छत्ते को देख। जवानी हाँ। मैं लग रहा तेरे द्वारा मुझे पता जो कुछ हुआ। अच्छा जो बे मैं नहीं लग रहा तेरा तेरे द्वारा तू आ मेरे द्वारा और आ मैं मेरे एक सत्ती मुर्गा। मुझे पता जो कुछ हुआ तेरे साथ में सब कुछ ठीक कर दूंगा तू मेरे द्वारा आ जा। चलो सरदार क्या है जवानी? मैं तुमको पता नहीं मेरा एक साथी मर गया। मुझे सब कुछ पता है। उसको जिंदा कर दो। एक बार तुम उसकी लाश ला सकते हो? हाँ मुझे पता है तुम तो बहुत थक रहे हो इसलिए मैं उसकी लाश जल्दी से लाता हूँ। इंसान एक बार जो मर जाए वो उसी रूप में नहीं आता। मैं तेरे साथी को वहां से वहां मंगा भी सकता हूँ और जिंदा भी कर सकता हूँ पर रूप बदलेगा। टूटू रूप भी बदल चाहे रूप भी बदलो कुछ भी बदलो उसको ला तो दो। अभी तो लाश तैयार की है और इसमें जादू करूंगा। मेरा साथी जिंदा हो गया। सरदार अब मुझे धरती करा जा बना। चलो ला लो जिंदी करनी जब बनेगा तो धरती करा जा। सरदार रात किस तरह दिन जिंदी हो सके वो तो बहुत दिनों की मर रही। तुझे पता नहीं मुझे लटको 30 साल हो लिए हमारे साथ के लम्बे बुढ़े हो लिए लुई नहीं लटक सका पेटे पे। जाओ किताब ला जिसमें मरे हुए आदमी को जिंदा कर सके। मैं ढूंढने की बहुत कोशिश करूंगा। सरदार मुझे अपना हुक्म बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। दो लाश कल लाए थे तुम और दो आज ला और दो कल लाना। सरदार तुमने पहले मुझे ऐसा कमजोर किया था मैं सह सकता हूँ पहाड़ को भी तोड़ सकता हूँ। उन छह लाश का तुम क्या करोगे? तुम ऐसा इतने भूखे हो का? नहीं मैं उन छह लाश की शक्ति निकाल के एक शरीर में डालूंगा ताकि अधिक शक्तिशाली हो जाए राधा। फिर हमको कोई नहीं मार सकेगा मतलब
मैं और राधा। दो लाश लाओ और वो किताब लाओ। सरदार मैं तो चल रहा लाश आज ही ला रहा। जला नहीं, दो लाश की भेंट कल दी थी और दो की आज देंगे, और दो की कल को, क्योंकि कल को अमावस्या है। और तो आज तो कुछ नहीं सरदार। बकवास बंद कर जा और दो लाश ला। चलो सरदार ने मुझे ढेर शक्ति दे दी, मुझ पे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं एक साथ से उठा लूंगा। कहाँ है? जाकत कहीं से कुछ खेल ही रहे होंगे। चलो ढूंढो मैं जो जागते को, मैं खास से उठा लूंगा उनको। तो ओ वो बैठे जाकत सो रहे। वो पकड़ लिया और इनका बाप ही नहीं सी। हां इनका बाप ही नहीं सी। अरे कोंडे चूस रहा। अब अच्छा हो इनका बाप तो यहां से हो। चलो हाड़ को बड़ी करता करता उठा लो। देख सौ रोग इनका बाप तक कैसे जागते को पहलवान बनाना सोच रहा। इनके पहलवान नहीं लिखोगे अब जा, जब इनकी बलि चढ़ाई जाएगी काली माँ पे। काली माँ पे नहीं ढाल पर। चलो तुम परले वाले को पकड़ना, मेले वाले को पकड़ता हूँ। चलो बुड्ढे, हम ढाल के आदमी दुनिया पर राज करेंगे राज। ओ बुड्ढे, अब बुड्ढू अब सुन, मैं अब सुन। मार दे मम्मी जा, मैं डॉक्टर को मार दियो। हम देंगे तेरे, हम तेरे जाक्तों की बोली देंगे बोली। नहीं सुन बे बुड्ढे, हम करोगे अब इस दुनिया पर राज, तेरे जाक्तों की देंगे हम बोली। मेरी सबक छोड़ देगा। सुन बे बुड्ढे, स्पार्क्टर भी खत्म और ब्रिज भी खत्म। किस तरह? कूद के किस तरह? फुदक के किस तरह? नू मरा लू। जब भी फुदक को मरना आगा नहीं, तुरंत मारे का तेल लगा दूंगा तेरा। ना मुझे फुदक के नहीं मरना। जान हो गया जान। ठीक है बस, फुदक को ऐसी मर जा। ठीक है बलि देनी भाई रे जाग तो की उनकी। चलो भाई कहाँ थी मैं पड़े वहां थी। चलो ठा लो नो। यहाँ से तो कोई है भी नहीं। मैं अपने सारी बात बता दूँ। अपना पहले भाई लिख दूँ। मन से पहले पहले लिख दूँ सारी बात। भाई डोलू भाई दोगले भाई, मुझे डाल के आदमियों ने मारा है और मेरे दोनों बच्चों का ठाके ले गए। वे उनकी बलि देंगे। ढाल के आदमी धरती पे राज करना चाहते हैं। मरने से पहले धरती को किसी तरह बचा ले। भैरवनाथ बाबा के पास जाना, वो धरती को बचाने का कोई उपाय जरूर बताएंगे। मैं मर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी मर गए, अब मेरी बीवी को तू ही समझ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बीवी का
तू किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देना, मेरी आखिरी सांस चल रही है। बगाम रहने का लगे मजा, ठीक है लगता बस किराड़ है। फोन किसका फोन है? हेलो, हाँ हाँ बब्बी ठीक भी क्या भाई, घर नहीं है? जंगल में गए थे यार भतीजे, सोनू मोनू कहाँ आए निकल सर? अच्छा मैं भी जा रहा मोटरसाइकिल ले, ठीक है। सॉरी मोटरसाइकिल, खेत तो आएगा मोटरसाइकिल थामो, देख लो कहाँ पड़े होंगे। अब अब तेरी बात देख रही, इनका कल से पता नहीं कहाँ गया, क्या हो रहा तो सांस भी चल रहा है। हाँ मेरा भाई मार दिया, मेरा भाई पता नहीं कितना मारा, तेरी तो आंख भी खुल ली, तेरे कितना मार दिया ना, तेरी आंख मीच दो। हाँ मेरा भाई, तेरी उंगली कहाँ जा रही भाई, ओ क्या लिख रहा पिंड पर? अरे मेरे चुगल भाई क्या कर लिया तेने, मारा नाश कर दिया, मर गए तेने, मेरा दोनों भतीजे कहाँ? उसकी उंगली को खड़ी है ये, क्या लिख रखा भाई? भाई तेरी कसम तू फिकर मत कर, मैं भाभी का एडमिशन बहुत बढ़िया स्कूल में कराऊंगा, तेरी कसम भाई, तेरे बाप बापों की कसम। अरे भाई लतू तो मरेगा, कम से कम कुत्ते का तो फायदा कर दूँ, ये जिनावर फिर इतने सारे ला ना, रोजी रोजी दे दूँ। हाँ ला, अब भाभी तो देवा होगी, बस कुत्ता काम तो हो जाएगा। ले भाई अब तो सलाम, अब तो तेरे चील कस गई। हाँ अब तो भाई चील कस गई, तेरे ये खाओगे भाई, मुझे दुआ देंगे, मैं पास हो जाऊंगा अपने मिशन में। अब अब्बा लाओ चल रहा मैं तो। अब तो बारह बाबा के पास चल रहे बस, वही देख बाबा गुफा तो बहुत दूर बना रखी है भाई, पैर भी अकड़ गए, चल कोई बात नहीं, दुनिया तो बची जाएगी। ऐ देखने में तो मुसलमान सा लग रहा है, और नाम इसका भैरव बाबा, देखने में तो ऐसा लगा देना यार मीन साठ वाला हो बाबा। बाबा हाँ बेटा, कौन है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ क्यों आए हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह।
बाबा बहुत बुरा हो गया हमारे साथ। क्या होगा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बाबा इंस्पेक्टर भी मर गया, भैरव बाबा किन्न मार दिया ऐसा न, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा बहुत गलत हो गया, चुप हो जा बेटे, क्या हो गया, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा बेटे, चुप हो जा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। अगर बेटे तू सही होगा, चुप होकर नहीं बताने का, अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे क्या पता लग जाएगा। बाबा जी डाल सबको मारा लग रहा, तुम यहाँ मजे ले रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मजे ले। बाबा जी तुम्हें दुनिया बचाने की फिक्र नहीं आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया बचेगी। मुझे पूरी बात बताए, क्या क्या किन्न मारा, किसे मार दिया? बाबा जी डाल मार रहा सबको। कोई बात नहीं, जब बाबा जी जिंदा तू फिक्र क्यों कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे तू फिक्र न कर, अल्हम्दुलिल्लाह तो हमें पूरी बात बता रहा, क्यों नहीं सही से इधर। बाबा जी हाँ ढाल पृथ्वी खत्म करके भगवान को हराना चाह रहा, बात नहीं का नहीं हरा देगा, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई लल्ला बात कुछ पल्ला नहीं पड़ रही, अल्हम्दुलिल्लाह सही तरह बता क्या कहना चाह रहा तू। अगर तू वाकई में पृथ्वी को बचवाना चाह रहा तो मुझे पुनः बता, ढाल के पास इतनी शक्ति कहाँ से आई, किस तरह आई है? ले सुन बाबा, बहुत पुरानी बात है, सन 1984 की बात है। ढाल का नाम राजकुमार था बाबा, वो कॉलेज में पढ़ता था। ढाल का नाम राजकुमार, अल्हम्दुलिल्लाह तो अटपटा सा लग रहा है भाई, पानी को फ्लैश बैक में ले जाती है। बता बेटे। ले सुन बाबा, बता। ढाल का नाम राजकुमार था। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये गांव नियम्मू, पहले नियम्मू शहर था, और ज्यादा बड़ा था क्या? हाँ। अच्छा। और यहाँ की जेएम यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ा करते थे। अच्छा अच्छा। राजकुमार, राधा और जवानी तीनों इसी जेएम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते अच्छा, थे। अच्छा। कुछ लोग से जब भागे जब मोटर थोड़ा का रुका पड़ा, और अच्छा। कुछ लोग जब भागे जब राजकुमार ढाल बना ले, मैं कहना फ्लैश बाग में ले जा रहा।